ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य अर्धसंचालित और जीर्ण शीर्ण हो रहे सरकारी विद्यालयों को संपूर्ण रूप से सुविधा युक्त कर बच्चों को विद्या प्राप्त करने का उत्तम वातावरण प्रदान करना है। जैसा कि यह सर्वदा सत्य है कि आज का वर्तमान कल का भविष्य है। हमारे स्वामी कहते हैं, हमें बच्चों में निवेश कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम संपूर्ण भारत में क्रियान्वित किया जा रहा है। शिक्षा के संबंध में स्वामी कहते हैं, शिक्षा उस पक्षी के समान है जो दोनों पंख की सहायता से उड़ता है। पक्षी का एक पंख रोजगार वाली शिक्षा है और एक पंख वो शिक्षा है जिसके द्वारा मूल्यों पर आधारित जीवन जिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम को हम सभी पूर्ण निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित उन अनेकों विद्यालयों में से एक विद्यालय की ओर चलते हैं, जहां हम सभी भगवान बाबा के श्री चरणों में सेवा रूपी पुष्प नित्य ही अर्पित कर रहे हैं। यह विद्यालय मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के एक छोटे से गांव सुखनिवास में स्थित है। श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत हम मुख्य 7 बिंदुओं पर केंद्रित होकर कार्य करते हैं। छात्र, शिक्षक, विद्यालय, पालक, ग्रामवासी, स्थानीय प्रशासन और सेवा दल। सर्वप्रथम श्री सत्य साई बाल विकास की 5 तकनीकों मौन बैठक, कहानी कथन, सामूहिक गतिविधियां, प्रार्थना एवं समूह गान, इन सभी के माध्यम से बच्चों में मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु प्रति शनिवार बाल विकास कक्षाएं संचालित कर प्रयास किया जा रहा है। बच्चों का अध्ययन सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारे सेवा दल प्रतिदिन विद्यालय समय के पश्चात 1 से 1.5 घंटा अतिरिक्त कक्षाएं लेते हैं। श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम के उद्देश्य को देखते हुए अतिरिक्त कक्षाओं के लिए नए लोग भी जुड़ रहे हैं। इन अतिरिक्त कक्षाओं में विद्यालय का ही पाठ्यक्रम शिक्षकों से वार्तालाप कर पढ़ाया जाता है। कक्षाओं को रोचक बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और सरल तरीकों की सहायता ली जाती है। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। डाउन का मतलब नीचे। वेरी गुड। रोलिंग 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 सर्वांगीण विकास के लिए विशेष कार्यशालाएं जैसे खेलकूद, पेंटिंग, संगीत एवं वाद्य यंत्र की शिक्षाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट इत्यादि आयोजित की जाती हैं एवं विशेष पर्व पर बच्चों द्वारा इनका प्रदर्शन भी किया जाता है। हम विद्यालय परिवार यही कामना करते हैं कि सत्य साई विद्या ज्योति प्रोजेक्ट का दूर दूर तक प्रचार प्रसार हो, वो सब इसका लाभ उठाए, इस ज्ञान गंगा सब लाभान्वित हो। माह में एक बार बच्चों का संपूर्ण शारीरिक परीक्षण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से डेंटल, आई और जनरल परीक्षण करते हैं।
मैंने जब इस काम को लिया तो आई फेल्ट ये प्रभु का काम है, प्रभु के बच्चे प्रभु को बहुत प्यारे थे एंड दैट इज़ द वे आई टुक इट। एंड वो एक अंदर से एक ऐसी भावना आती है आपके दिल में कि आपको लगता है कि नहीं, जो आप काम कर रहे हैं वो प्रभु के चरणों में ही काम कर रहे हैं। बच्चों की सेहत का 100% आकलन हो सके इसलिए साई शिशु हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। इस कार्ड के द्वारा हमें बच्चों में कुपोषण का पता चला और हमने नियमित रूप से साई प्रोटीन एवं विटामिन्स देना आरंभ कर दिया, जिसके अब सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास में पालकों का योगदान भी आवश्यक है। अच्छे पालक कैसे बने, इस उद्देश्य के साथ समय समय पर पालकों के लिए पालक कार्यशालाओं का आयोजन कर उन्हें प्रेरित किया गया। अब पालक भी हमें पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और बच्चों को विद्यालय एवं घर में एक जैसा प्रेम पूर्ण वातावरण प्राप्त हो रहा है। कई बार हम सब पालकों से मिलने उनके घर जाते हैं, जिसके बहुत ही उत्साहपूर्ण परिणाम सामने आ रहे हैं। स्कूल में आते हैं, सायराम आए हैं, जब से हमारे बच्चों में बदलाव बहुत आया है और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, खाने पीने के पहले हाथ धोना सब पूरा काम अच्छे बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं खाना खाने के पहले, और सब साफ सुथरे भी रहने लग गए हैं, ड्रेस वनों भी धो धुला के स्कूल जाते हैं, पढ़ाई के लिए भी अच्छी पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। स्वच्छता से दिव्यता, इस कार्यक्रम को हमारे युवाओं द्वारा बहुत प्रभावशाली ढंग से इस विद्यालय में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शाला परिसर में शौचालयों की सफाई एवं रंग रोगन इत्यादि प्रति रविवार किया जा रहा है, जिसमें सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। श्री सत्य साई विद्या ज्योति कार्यक्रम निश्चल प्रेम का एक अद्भुत उदाहरण है, एक ऐसी योजना जिसमें श्री सत्य साई समिति के सभी विभाग, विद्यालय के बच्चे, उनके पालक, शिक्षक और नए लोग मिलकर इस राष्ट्रीय पहल के भागीदार बन रहे हैं। यह स्वामी का ही तो प्रेम है जो हमसे इन सभी बच्चों में प्रवाहित हो रहा है। जय साई राम। साई मेरा, मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, ये प्रेम की बहती धारा।